एस पोर्टल पर रोल नंबर और सेक्शन क्लास के कैसे डिवाइड करते हैं उस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने आईडी पासवर्ड लगा करके अपने जो पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपने एमआईएस पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको रिपोर्ट, स्कूल डेफिनेशन, टाइम टेबल, ये जो मेन्यू दिख रहे हैं, इसमें से सबसे पहले हम सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्कूल डेफिनेशन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारे पास ये चार ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से हमें थर्ड ऑप्शन लेना है, सेक्शन डेफिनेशन। तो इस पे क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो यहां सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा एकेडमिक सेशन, ये लॉक रहेगा। उसके बाद क्लास फॉर सेक्शन एलोकेशन, यहां से क्लास सेलेक्ट करेंगे जिसके हमें सेक्शन डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सिक्स क्लास सेलेक्ट कर लिया है। देखिए सिक्स क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए क्लास सिक्स का एक सेक्शन बना हुआ है हिंदी का, सातवीं क्लास का दो सेक्शन है, ए और बी दोनों हिंदी मीडियम। तो यहाँ इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। जैसे इलेवेंथ के हैं सी हिंदी, बी हिंदी, ए इंग्लिश, इस तरह से सेक्शन अगर बने हुए हैं ठीक है, अगर नहीं है। अब सिक्स का ए हिंदी बना हुआ है, हमें बी बनाना है, बी इंग्लिश या हिंदी बनाना है जो भी। तो यहाँ पे मैंने सिक्स क्लास सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बी, तो बी सेक्शन का नाम हो गया। यहाँ पे मीडियम चूज करेंगे, हिंदी मीडियम या इंग्लिश, तो मैं हिंदी में बना रहा हूँ तो हिंदी ऐड करके जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा ये सेव हो जाएगा। देखिए अब दो सेक्शन बन गए हैं, सिक्स का ए और बी। तो इस तरह से आपने सेक्शन बना लेने हैं। सेक्शन बनाने के बाद यहां पे आपके पास एक मैसेज आएगा, रिकॉर्ड एडिड अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट के ऊपर जाना है। यहां जाने के बाद एलोकेट सेक्शन एंड सब्जेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये प्रोसेस होने के बाद इस तरह की विंडो है, जो आपके पास ऑप्शन होगी सेक्शन एलोकेशन फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, यहां से हम क्लास चूज करेंगे। क्लास चूज करने के बाद तो हम व्यू स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस क्लास के ये सारे स्टूडेंट की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो यहां से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए चेक बॉक्स से सभी क्लिक हो गए। उसके बाद प्रोसीड, तो प्रोसीड टू सेक्शन एलोकेशन। इस पे करने के बाद आप यहां पे दो ऑप्शन है आपके पास, एडिट प्रोसीड टू सेक्शन एलोकेशन, यहां से इन बच्चों को सेक्शन एलोकेट हो जाएगा। तो एडिट लिस्ट करके नाम भी एडिट कर सकते हैं हम, दोनों ऑप्शन है। तो यहां से इसको कंप्लीट कर दें। उसके बाद एलोकेट रोल नंबर, उसके लिए यहां क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहां पर क्लास का सेक्शन ए बी जो भी आप करना चाहते हैं तो उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको व्यू स्टूडेंट भी देख सकते हैं हम, और प्रोसीड करके इसको एलोकेट भी कर सकते हैं। प्रोसीड करते ही ये एलोकेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एमआईएस पोर्टल पर बच्चों के सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, रोल नंबर एलोकेट कर सकते हैं, और डाटा रिपोर्ट में जाकर के उनका प्रिंट भी ले सकते हैं। थैंक यू।